और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें, प्रधानमंत्री मोदी अपने पैतृक गांव वडनगर पहुंच चुके हैं और यहां से उनके रोड शो का आगाज हो चुका है। पीएम बनने के बाद पहली बार अपने गांव वडनगर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह भारी जनसैलाब उमड़ा है उनकी एक झलक पाने के लिए। गुजरात के वडनगर में है प्रधानमंत्री मोदी का पैतृक गांव, जहां वो प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे हैं। गुजरात के महसाणा जिले में पड़ता है वडनगर, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे भारी संख्या में लोग। और यहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचकर 600 करोड़ की लागत से बने एक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे, इंटेंसिफाई इंद्रधनुष स्कीम का भी आगाज करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की हम आपको दिखा रहे हैं, अभी अभी पहुंचे हैं वडनगर, वडनगर उनका पैतृक गांव है जहां वो पीएम बनने के बाद पहली बार पहुंचे हैं। यही वो जगह है जहां प्रधानमंत्री मोदी का बचपन बीता, यहीं वो पैदा हुए, 10वीं क्लास तक यहीं उन्होंने अपनी पढ़ाई की। बेसब्री से वडनगर को प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का इंतजार। और एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, पहुंच चुके हैं वडनगर, लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? काफी उत्साह है क्योंकि उनका गांव है और गांव वालों को तो काफी खुशी है यहाँ पे। एक तरह से लग रहा है कि दिवाली से पहले यहाँ पर दिवाली मनाई गई हो, और खासतौर पर उन जगहों को जो जहाँ पर प्रधानमंत्री की यादें हैं उन जगहों को सजाया गया है। जो उनका स्कूल है डीएन हाई स्कूल जहाँ पर वो पढ़े थे, इसके अलावा वडनगर का स्टेशन है जहाँ पर वो चाय बेचा करते थे, इन सारी जगहों को सजाया गया है। और रास्ते के दोनों तरफ आपको बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई देगी, काफी बड़ी तादाद में लोग बाहर आए हैं उनके स्वागत के लिए। और जो उनका स्कूल है वहाँ पे काफी सारी तैयारियां है, जिससे लोगों को लगता है कि अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं पहली बार, तो वो स्कूल में भी विजिट करेंगे शायद। इसलिए लोगों ने जो भीड़ की है वो स्कूल के पास भी काफी सारी भीड़ है। स्कूल के जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, उन्होंने स्वागत की, काफी सारी तैयारियां की है क्योंकि 8वीं से 11वीं तक वो यहाँ पर पढ़े थे और यहाँ पर अभी उनका काफिला गुजर रहा है। उनके स्कूल के पास से ही उनका काफिला इस वक्त आने की तैयारी में है। जो काफिले की जो पायलट की गाड़ियां है वो यहाँ पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और जैसी ही गाड़ियां आई लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है यहाँ पर। जी उमेश, लेकिन क्या ये कंफर्म हो पाया है कि प्रधानमंत्री स्कूल में आएंगे? क्या आपका सवाल दोहराएंगे उमेश? क्या ये कंफर्म माना जाए, तय माना जाए कि प्रधानमंत्री अपने स्कूल में आएंगे? देखिए यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी है, जिस तरह की स्थिति की सुरक्षा लगाई गई है, वो ये मानकर चल रहे हैं कि अगर हो सकता है कि वो यहाँ पे उतरे, और उसी तरह की तैयारियां जो है उनके स्कूल के सामने की गई है। बोल लगाने वाले यहाँ पर है और काफी सारे छात्र है, सब एकदम तैयारी में है और स्वागत की तैयारी में है। और पुलिस को भी यहाँ पे बताया गया है कि शायद हो सकता है कि ये जब यहाँ से गुजरेंगे, क्योंकि उनका कोई ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं है यहाँ पे, फिर भी वो जब गुजरेंगे तो हो सकता है कि उनका स्कूल है, उनकी यादें हैं, तो इसलिए वो यहाँ पर उतर जाए। तो इसीलिए यहाँ के जो स्कूल है पूरी सारी तैयारियां की है कि उनका स्वागत जोरदार तरीके से हो जाए। पूरी स्कूल को फूलों से सजाया गया है और काफी सारे जो बच्चे हैं वो उनका यहाँ पर राह देख रहे हैं। बिल्कुल उमेश, आपकी रिपोर्ट में भी हमने देखा किस तरह खूबसूरती से उस स्कूल को सजाया गया है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने बचपन में अपनी पढ़ाई की थी, और जिस तरह की हलचल उमेश बता रहे हैं कि वो देख पा रहे हैं वहां पर, उससे लगता यही है कि शायद प्रधानमंत्री का काफिला वहां पर रुके, प्रधानमंत्री मोदी अपने बचपन की कुछ यादें ताजा करें। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन, और इस मौके पर वो पहुंचे हैं अपने पैतृक गांव वडनगर। उमेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी कहां पहुंचे हैं और आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा? तो हेलीपैड से आगे की तरफ रास्ते पर उनका एक तरह से रोड शो की तरह वो निकल चुके हैं। ये रोड शो तो नहीं है रोड शो, क्योंकि रोड शो का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन ये उनका गांव है और इसलिए गांव वालों में काफी सारी खुशी है। कल भी हजारों लोग यहाँ पर आए थे महाआरती थी इसके लिए, और आज भी उसी तरह का माहौल है कि रास्ते के दोनों तरफ जैसे हर जगह से जो रोड शो होता है उसी तरह यहाँ पर हालात है। पूरा का पूरा गांव जो है वो रास्ते पर इस वक्त दिख रहा है, उनके स्वागत की तैयारियां यहाँ पर, और जाहिर सी बात है कि ये
उनका गांव है। और जैसे जैसे आप देखिए यहाँ पर आने लगभग आप थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगे, इसके लिए यहाँ पे पुलिस की भी तैयारियां हो चुकी है। पुलिस जो है उनको लोगों को थोड़ा पीछे पीछे चल रही है। स्कूल के पास से खास तौर पर शायद हो सकता है कि स्कूल में प्रधानमंत्री जब आए तो यहाँ पे रुके और यहाँ पे जो बच्चे उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं उनसे मिले या स्कूल में जाए, तो वहाँ पर इस तरह की तैयारियां रखी गई है कि वो अगर आते हैं तो उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जाए। दोनों तरफ इस वक्त मैं देख रहा हूँ रास्ते के दोनों तरफ जो है गाँव वालों की भीड़ लगी पड़ी है कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो ये लोग उनको देख पाएंगे। सब का पोस्टर लगे हैं और उनका जो जीवन क्रम है और एक टीम रखी गई है यहाँ पर, खासतौर पर मैं देख रहा हूँ कि वडनगर से वाराणसी, क्योंकि यहाँ पर वो पढ़े थे और आखिर में वाराणसी के सांसद बने और वहाँ से वो प्रधानमंत्री बने, इसलिए एक टीम रखी गई है कि वडनगर से वाराणसी। और वो सारे पोस्टर उनके सामने भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और उसमें लिखा गया है कि उनका जीवन किस तरह से यहाँ पे बीता है और वो प्रधानमंत्री तक पहुँच गए हैं। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी ये पहली यात्रा है वडनगर की, जहाँ पर वो पढ़े बने बढ़े हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी काफी सारी भावनिक बात है, जब वो आएंगे तो उनकी यादें भी बचपन की यादें यहाँ ताजा होंगी और लोग ये बात जानते हैं, इसलिए पूरे गांव को एक तरह से सजा दिया गया है और हर जगह से जहाँ से वो गुजरेंगे वहाँ पर यहाँ पर इस वक्त काफी बड़ी तादाद में लोग उनके स्वागत के लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल हम देख पा रहे हैं उमेश, तस्वीरों में भी जबरदस्त उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। सड़क के दोनों ही तरफ लोगों की भारी भीड़ और प्रधानमंत्री मोदी लोगों की तरफ हाथ हिलाते हुए, फूलों की बारिश भी प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी पर लगातार हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरा गांव ही प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उतर आया हो। उमेश, लेकिन जैसा कि आपने भी बताया कि पीएम बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी अपने पैतृक गाँव आ रहे हैं, यूं तो पीएम बनने के बाद दर्जनों बार पीएम गुजरात गए, लेकिन वडनगर को इतना इंतजार क्यों करना पड़ा? देखिए वडनगर से तो उनकी यादें जो है ये भावनिक मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी और यहाँ के जो लोग हैं गांव वाले उनके लिए भी। जब हम छात्रों से भी बात कर रहे थे तो छात्र भी कह रहे थे कि हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज हम उस स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़े थे। तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत भावनिक बात है और सब तरफ अगर आप पोस्टर भी देखेंगे तो सब यही लिखा गया है कि वडनगर के सुपुत्र का यहाँ पर स्वागत है। ये जो गांव है ये प्रधानमंत्री को अपना बेटा मानता है कि हमारे गांव के हैं, हमारे गांव के बेटे हैं नरेंद्र मोदी और वो आज प्रधानमंत्री बन चुके हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं। तो लोगों के लिए भी एक भावनिक मुद्दा है, उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसके अलावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी भावनिक मुद्दा है, उनकी भी यादें ताजा होंगी। ये यादें 60 के दशक की है जब वो यहाँ पे स्कूल की पढ़ाई किया करते थे, ये स्कूल में जब पढ़ते थे, ये 1960 के दशक की बात है। और वडनगर स्टेशन उनके स्कूल के 50 मीटर की दूरी पे ही वडनगर स्टेशन है, जब वो यहाँ पे पढ़ते थे उसके बाद पढ़ाई के बाद चलिए मोदी मोदी के नारे आप सुन पा रहे होंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जो अब पहुंचा है उनके पैतृक गांव वडनगर। वडनगर के निवासियों में जबरदस्त उत्साह, प्रधानमंत्री मोदी उनके माटी के लाल आज पीएम बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं। यहां प्रधानमंत्री मोदी नए स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, वो रेलवे स्टेशन जहां पीएम मोदी बचपन में अपने पिताजी के साथ चाय बेचा करते थे। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है और आज वो पहुंचे हैं अपने पैतृक गांव वडनगर। पीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं और जहां वो लोगों को देंगे 600 करोड़ की लागत से बने मेडिकल अस्पताल की सौगात। उमेश कुमावत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश अपनी बात पूरी कीजिए, आपको सुन नहीं पाए थे हम। मैं तो कह रहा था कि लोगों में काफी उत्साह इस वक्त मंदिर हम देख पा रहे हैं, क्योंकि लोगों के लिए बहुत ही भावनिक बात है कि उनके गांव का एक छोटा लड़का था तो यहाँ पर पढ़ा करता था, जिसको लोगों ने यहाँ पे
उस वक्त के जो जो भी लोग हैं हम उनसे मिलते हैं तो सब लोगों की जुबान पर ये बात होती है कि हम वो हमारे यहाँ पढ़ते थे, वो इसी स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। यहाँ के लोगों के लिए एक भावनिक बात है कि आज उनके गांव में पढ़ने वाला एक जो छोटा लड़का था वो प्रधानमंत्री बन गया है और प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है वो यहाँ पर आया है। तो अब जब वो उस रास्ते से गुजर रहे हैं हर रास्ते से तो हम देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे घर है घरों की छतों पर भी बड़ी तादाद में लोग जो है उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। रास्ते पर तो यहाँ पे लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं लेकिन छतों पर भी आपको यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं ताकि वो एक झलक उनकी देख पाए। अब 3 साल हो चुके हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद और वो अब तक इस गांव में नहीं आए थे। इस गांव वालों की भी यादें हैं, इसके अलावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इस गांव के बारे में काफी सारी यादें हैं। तो अब काफिला जो है उनके काफिले की गाड़ियां उनके सामने से इस वक्त गुजर रही है। लोगों में हम काफी उत्साह देख रहे हैं इस वक्त, दोनों तरफ जो है लोग खड़े हो चुके हैं और हाथ दिखा रहे हैं और शायद उनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रुक जाए। इस तरह की यहाँ पे तैयारियां भी की गई है और हो सकता है कि यहाँ पर रुक जाए। एसपीजी जो है सिक्योरिटी में एसपीजी भी यहाँ पर तैनात है और उनकी गाड़ियां जो है पायलट गाड़ियां जो है वो स्कूल के सामने से गुजर रही है। जी उमेश, कितना उत्साह है लोगों में, हम तस्वीरों में ही देख पा रहे हैं, छतों पर लोग हम देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा वडनगर गांव लगता है बाहर सड़क पर आ गया है पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि शायद प्रधानमंत्री का मोदी का काफिला वहां पर रुक जाए। पीएम मोदी आज अपने पैतृक गांव वडनगर पहुंचे हैं और उन्हें देखने के लिए लोगों की ये भारी भीड़ आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन, पीएम मोदी का पैतृक गांव वडनगर जहां वो पीएम बनने के बाद पहली बार, और ये देखिए ये कल्चरल कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। पैतृक गांव वडनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों में जबरदस्त उत्साह, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा गुजरात का पारंपरिक नृत्य भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में किया जा रहा था। लोग घरों से बाहर सड़कों पर अपनी छतों पर पीएम की एक झलक पाने के लिए, ये देखिए लगता है कि पूरा वडनगर गांव पीएम मोदी से मिलने के लिए बाहर खड़ा हो गया है। वडनगर की ही जमीन पर पीएम मोदी का जन्म हुआ, यही उनका बचपन बीता, 10वीं तक वो यहीं पढ़े और यही वजह है कि लोगों का भावनात्मक जुड़ाव है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। क्यों तो पीएम मोदी कई बार गुजरात आए पीएम बनने के बाद, लेकिन ये दौरा है बिल्कुल अलग क्योंकि इससे सीधा सीधा भावनात्मक जुड़ाव है प्रधानमंत्री मोदी का। अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार। इससे पहले 2011 में पीएम एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान वडनगर गए थे और ये देखिए लगातार फूलों की बारिश पीएम मोदी पर हो रही है और पीएम मोदी भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस भीड़ को देखकर लगातार हाथ हिला रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन, आज वडनगर में ही 600 करोड़ में बने अस्पताल का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी करेंगे। और आपको बता दें बीते 30 दिनों में पीएम मोदी का ये तीसरा गुजरात दौरा है और आज इस दौरे का दूसरा दिन प्रधानमंत्री मोदी अपने पैतृक गांव वडनगर पहुंचे हैं। और उनके स्वागत में किस तरह लोग सड़कों पर उमड़ आए हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, जगह जगह प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर्स कटआउट्स लगाए गए हैं,
वडनगर से वाराणसी की थीम इसे दिया गया है। जैसे कि उमेश कुमावत हमें बता रहे थे, वडनगर के लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास, क्योंकि यहीं पर जन्मा एक छोटा सा लड़का जो यहीं पला बढ़ा वो आज देश का प्रधानमंत्री बन यहां पहुंचा है। पीएम मोदी का दो दिन का गुजरात दौरा और आज दूसरे दिन अपने पैतृक गांव वडनगर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। गुजरात के मेहसाणा जिले में है वडनगर और वडनगर में प्रधानमंत्री मोदी 600 करोड़ में बने एक अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, साथ ही रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। ये वही रेलवे स्टेशन जहां पीएम मोदी अपने पिताजी के साथ बचपन में चाय बेचा करते थे। और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां जहां से पीएम मोदी का काफिला गुजर रहा है, किस तरह का उत्साह है लोगों में आप देख पा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के इंतजार में ये पीएम का गांव और यहां उनके इंतजार में खड़े लोग। भारी जनसैलाब हम देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरा वडनगर गांव ही पीएम को देखने के लिए सड़कों पर आ गया हो। और वडनगर को पीएम के आने से पहले दुल्हन की तरह सजाया गया, पीएम के आने पर दिवाली से पहले ही दिवाली जैसा माहौल, किसी बड़े उत्सव से कम नहीं है पीएम का आना वडनगर के लोगों के लिए। वडनगर वही गांव है जहां प्रधानमंत्री मोदी का जन्म हुआ, यहीं वो पले बढ़े, 10वीं तक पढ़ाई की, बचपन में अपने पिताजी के साथ यहीं उन्होंने चाय भी बेची। वडनगर दौरा खत्म कर हेलीकॉप्टर से भरूच के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी, जिसके बाद नर्मदा नदी पर बनने वाले बैराज का शिलान्यास करेंगे। क्या रहेगा पीएम मोदी का आज का पूरा कार्यक्रम, ये अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर आप नीचे की पट्टी पर लगातार देख सकते हैं। वडोदरा से 3 बजे के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे, लेकिन इस वक्त पीएम मोदी अपने पैतृक गांव वडनगर में है जहां वो पीएम बनने के बाद पहली बार पहुंचे हैं। वडनगर के लोगों को एक खास सौगात देने वाले हैं, वो 600 करोड़ की लागत से बने अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे, रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का भी उद्घाटन करेंगे, और उनके आने से पहले वडनगर के चप्पे चप्पे को बेहद खूबसूरती से सजाया गया। और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं जहां जहां से पीएम का काफिला गुजर रहा है वहां लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। उमेश कुमावत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमेश, इस वक्त कहाँ पहुंचा है पीएम का काफिला? उनकी स्कूल से थोड़ी दूरी पर है और किसी भी वक्त उनके स्कूल पर पहुंच जाएगा। डीएन हाई स्कूल के थोड़ा सा दूरी पर है ये काफिला और किसी भी वक्त जो है यहाँ पर पहुंचेगा, क्योंकि जो तैयारियां इस वक्त हम देख रहे हैं पुलिस सबको यहाँ पे थोड़ा पीछे पीछे हटा रही है, किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्कूल के पास से गुजरेंगे। और स्कूल है उनका डीएन हाई स्कूल, उसके एनसीसी के एक स्टूडेंट है, इसके अलावा वहाँ का स्टाफ है, इसके अलावा गांव वाले हैं, तो एक चौक है ये, यहाँ पर सब लोगों ने भीड़ की है। जब वो आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। और वैसे भी अमांदरा अगर देखा जाए तो हर किसी की याद अपने गांव से जुड़ी हुई होती है, आज से भले ही कितना बड़ा हो जाए वो अपने गाँव के बारे में उसके दिल में एक अलग जगह होती है, एक अलग लगाव होता है, उसकी भावनिक यादें होती है, वही बातें जो है यहाँ के लोगों में भी दिखाई दे रही है। जैसे हम स्टूडेंट से बात कर रहे थे यहाँ पे जो बीएन हाई स्कूल जहाँ से अभी वो गुजरने वाले हैं, वहाँ के छोटे बच्चों का भी ये कहना है कि हमें, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वो हमारे यहाँ पे पढ़े थे और हम आज उस स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री पढ़े थे। तो ये एक भावनिक लगाव है यहाँ के लोगों का, और इसलिए रास्ते के दोनों तरफ आप जो भीड़ दिख रही है यहाँ पर, जो गांव वाले, पूरा गांव यहां पर उमड़ पड़ा है, आसपास के गांव के लोग यहां पर उनको देखने के लिए आए हैं, तो ये यहां के गांव वालों का लगाव है उनके साथ कि कभी ना कभी इसी रास्ते पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे यहीं पर थे। और उस वक्त के लोगों ने, कोई बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं है, उस वक्त के जो लोग हैं यहाँ पर अभी भी मौजूद है वो लोग बताते हैं, और किसी से भी पूछो तो उनकी यादें बताते हैं कि वो पढ़ा करते थे यहाँ पर, जो वडनगर का स्टेशन है वहाँ पर जो है वो चाय बेचा करते थे, उनके चाचा की मदद किया करते थे,
चार बार वो जो स्टेशन है वहाँ पर वो निकल गया था। उस वक्त चार ट्रेनें दिन में आती थी और चार ट्रेनों पे चाय बेचने के लिए वहाँ पर जाया करते थे। तो ये सारी यादें जो है यहाँ वडनगर के लोगों की है और इसीलिए अब प्रधानमंत्री बनने के बाद इनको देखना है लोगों को, इसीलिए दोनों तरफ रास्ते के दोनों तरफ आप जो भीड़ देख रहे हैं, जो लोगों में उत्साह देख रहे हैं, वो एक आवनिक लगाव की वजह से खासतौर इस शहर के लिए। वडनगर की अगर हम बात करते हैं, ये उनका पैतृक गाँव है और इसीलिए यहाँ के लोगों का उनके जो आवनिक लगाव दिख रहा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे दिवाली से पहले, कुछ दिन बाद दिवाली है लेकिन यहाँ के लोगों के लिए आज ही दिवाली है और लोग बोलते भी है कि हमारे लिए आज ही दिवाली है एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर जो एक छोटा लड़का जिस गांव में पढ़ा उस गांव में आज जो प्रधानमंत्री बनकर आ रहा है और इसीलिए लोग उनके स्वागत के लिए और उनको देखने के लिए विभिन्न चीजों के लिए जो है रास्ते पर उमड़ पड़े हैं, पूरे गांव का गांव उमड़ पड़ा है और उनका इस वक्त स्वागत कर रहा है। अमांद्रा बिल्कुल उमेश, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार अपने भाषणों में इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे वो बचपन में अपने पिताजी के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। पर एक ये दिलचस्प बात आपने बताई कि वहाँ के लोगों को अब भी याद है उस वक्त की जब वो वहाँ पर थे, क्या कुछ किस्से कुछ कहानियाँ किसी ने आपसे कुछ साझा की? देखिए आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे और खासतौर में उनका स्कूल है, उनके स्कूल में भी अभी थोड़ी देर में उनका काफिला यहाँ स्कूल में पहुँचने वाला है तो स्कूल के बच्चों को भी यही यहाँ पे उनके आने से पहले बताया गया है कि वो किस तरह यहाँ पे पढ़ा करते थे। हमने स्कूल के छात्रों से भी बात की तो उन्होंने बताया कि स्कूल में बताया गया उनको कि पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे प्रधानमंत्री मोदी, जो वो छात्र थे एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन जो बाकी चीजें थी खासतौर पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, नाटक का मंचन हो, इसमें वो काफी हिस्सा लेते थे और जो खास तौर पर डिबेट हो और वाक्पटुता उनकी उस वक्त भी जो उनके साथ पढ़ने वाले लोग थे वो भी बताते हैं। इसके अलावा यहाँ के जो अध्यापक हैं उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका भी ये कहना है कि उनकी वाक्पटुता उस वक्त भी दिखाई देती थी, वो बहस या कोई भी वाद विवाद हो उसमें वो काफी अच्छे थे। तो ये बातें जो है उस वक्त की जो यादें हैं वो यहाँ के लोगों के दिमाग में अभी भी ताजा है, वो यादें अभी भी लोग यहाँ पर बताते हैं। यहाँ के अध्यापक जो है भले ही उनका कहना है कि हमने उनको पढ़ाया नहीं था लेकिन उनके अध्यापकों ने उनको बताया, जो बातें बताई है वो बातें इस स्कूल में अभी भी बताई जाती है, यहाँ के बच्चों को अभी भी वो बातें जो है वो बताई जाती है, इसलिए यहाँ का बच्चा भी उनके बारे में एक लगाव रखता है और जो आप भीड़ देख रहे हैं वो उसकी वजह से भी है। कल भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया था, यहाँ पर एक शर्मिष्ठा तालाब है, लेक है, इसके बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब छोटे थे तो एक मगरमच्छ जब छोटा मगरमच्छ घर पर लेकर आए थे और उनकी माँ ने उनको कहा था कि किसी भी बेटे को अगर माँ से अलग कर दिया जाता है तो बड़ा दुख होता है, तो ये बात वो उस वक्त समझ गए थे और उस तालाब में उन्होंने उस मगरमच्छ को छोड़ दिया था। तो ये जो यादें हैं उनकी वडनगर के बारे में, यहाँ की जगहों के बारे में, तो उन सारी जगहों को सजाया गया है। आप देखेंगे कि इस वक्त पूरा वडनगर सजा हुआ है, दोनों तरफ से आपको दिखाई देगा जो लोग हैं वो किस तरह से उनका स्वागत कर रहे हैं। तो ये जो स्वागत है ये एक भावनिक लगाव की वजह से है। कई जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रोड शो करते हुए आए हैं लेकिन यहाँ का रोड शो जो कहा जाएगा वो एक अलग रोड शो है। हमने देखा है कि हर जगह काफी सारी भीड़ इकट्ठा होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, लेकिन यहाँ की जो भीड़ है इसका एक अलग लगाव है उनसे, जो ये लोग देखते हैं कि यहाँ का सुपुत्र है, वडनगर का सुपुत्र का यहाँ पे जो पोस्टर लगे हैं उसमें भी ये बात कही गई है कि वो वडनगर के सुपुत्र है और वडनगर के सुपुत्र का उनके गांव में स्वागत है। तो ये जो भावनिक लगाव है ये एक अलग लगाव है जो इस रोड शो के दौरान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मंदरा बिल्कुल उमेश, तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं किस तरह का उत्साह है लोगों में और जैसा कि आपने बताया कि बच्चा उनके स्कूल का उन्हें याद करता है और उन्हें इस बात का फक्र है कि उन्हीं के स्कूल से निकला एक लड़का प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा। और पीएम को भी हम देखते हैं उमेश अक्सर कि उन्हें बच्चों से खास लगाव है और वो हालांकि स्कूल पहुंचना उनके शेड्यूल कार्यक्रम में नहीं है लेकिन वो शेड्यूल कार्यक्रम से अलग हटकर बच्चों से जरूर मिलते हैं। क्या क्या लगता है स्कूल आएंगे प्रधानमंत्री मोदी? देखिए जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है अमांद्रा और यहाँ के बच्चों को खास तौर से और यहाँ के जो पढ़े हैं यहाँ के जो अध्यापक है उनको भी खास तौर पर ये लगता है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ से गुजरेंगे तो यहाँ पे रुकेंगे जरूर, इसीलिए यहाँ पे स्वागत की पूरी तैयारियां की गई है और हम
यहाँ पर एसपीजी की सुरक्षा, खासतौर पर जहाँ भी प्रधानमंत्री विजिट देते हैं, खासतौर पर जहाँ लोगों से मिलते हैं और इस तरह की संभावना होती है कि वो वहाँ पे लोगों से बात कर सकते हैं, तो वहाँ पर एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलती है। वो सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सबको ये लगता है कि जब वो आएंगे तो उनकी यादें ताज़ा होंगी, तो शायद वो यहाँ पे स्कूल को, जो कि उनके बचपन का स्कूल रहा है, स्कूल में वो जरूर जाएंगे। और अगर जाते हैं, अगर प्रधानमंत्री आते हैं, तो उनके स्वागत की पूरी तैयारियां होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर उनके स्वागत की पूरी तैयारियां की गई है। वैसे पूरा वडनगर सजाया गया है, जैसे आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, जब उनका काफिला गुजर रहा है तो दोनों तरफ लोग हैं, दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन हर उस जगह को सजाया गया है जहाँ इन चीजों से उनकी यादें ताजा, उनकी यादें इस चीज से जुड़ी हुई है। जैसे वडनगर का रेलवे स्टेशन हो, जहाँ पर वो खड़े हैं, वो जगह हो, वो जो तालाब जहाँ जिसके बारे में उनकी यादें हैं, वो मंदिर जहाँ पे जाते थे, वो हाटकेश्वर मंदिर यहाँ का बहुत ही मशहूर मंदिर है। तो ये जो उनकी यादें हैं, जैसे कहा जाता है कि हर शख्स को अपना गांव बहुत प्यारा लगता है, इसलिए हर कोई इस पर तो जाने भी बन चुके हैं, मेरा गाँव बड़ा प्यारा, इस तरह से। तो क्योंकि आपकी यादें होती है, बचपन की यादें होती है, और खास हम भी मानकर चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की आज की बचपन की कई यादें ताजा होने जा रही है। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का काफिला और जबरदस्त भीड़ वहां जमा हो गई उन्हें देखने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी हाथ हिलाते हुए लोगों की तरफ और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, लेकिन ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी की जो उनके पर्सनल हैं उनके लिए भीड़ को काबू कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये पीएम मोदी उतने ही उत्साह के साथ लोगों की तरफ हाथ हिला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने गांव वडनगर पहुंचे हैं, पीएम बनने के बाद पहली बार वडनगर में जोरदार तैयारियां उनके स्वागत की, और उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं वडनगर के निवासी। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री मोदी को आप देख पा रहे हैं किस तरह पूरे उत्साह के साथ लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों की तरफ हाथ हिला रहे हैं, वेव कर रहे हैं, और लोग भी लगातार मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं। और पीछे कुछ महिलाओं को हम देख पा रहे हैं किस तरह दौड़ दौड़ कर पीएम मोदी के काफिले के पीछे आ रहे हैं। हर कोई चाहता है कि किसी तरह पीएम मोदी की एक झलक पाले। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी वडनगर पहुंचे हैं, और यही वजह है कि लोगों में इतना ज़बरदस्त उत्साह है। वडनगर में ही पैदा हुए, यहीं उनका बचपन बीता, और खास लगाव वडनगर के लोगों का प्रधानमंत्री मोदी के साथ। जबरदस्त जन सैलाब हम देख पा रहे हैं, लगता है पूरा वडनगर गांव जैसे सड़कों पर उतर आया है पीएम मोदी को देखने के लिए। जहां जहां से उनका काफिला गुजर रहा है, फूलों की बारिश हो रही है, लोग सब कुछ छोड़ पीएम मोदी को देखने सड़कों पर पहुंचे। और जितना उत्साह लोगों में दिख रहा है, उतने उत्साहित प्रधानमंत्री भी नजर आ रहे हैं। अपने पैतृक गाँव पहुंचे हैं पीएम बनने के बाद वो पहली बार। इससे पहले 2011 में एक सरकारी कार्यक्रम में पीएम मोदी यहां आए थे, गुजरात के 2 दिनों के दौरे पर हैं, और उसका आज दूसरा दिन वडनगर पहुंचे हैं, और यहां के लोगों को देंगे वो एक 600 करोड़ की लागत से बने अस्पताल की सौगात, साथ ही रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का भी उद्घाटन करेंगे। और ये देखिए पीएम मोदी के पोस्टर्स लगाए गए हैं उनके स्वागत के लिए, और जैसा कि उमेश बता रहे थे पूरे वडनगर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, दिवाली जैसा माहौल है। ऐसा लगता है कि दिवाली से पहले ही दिवाली आ गई है वडनगर के लोगों के। चप्पे चप्पे को खूबसूरती से सजाया गया है, खासकर उन जगहों पर जहां से पीएम मोदी की बचपन की यादें सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। पीएम मोदी का स्कूल, वो रेलवे स्टेशन जहाँ वो चाय बेचा करते थे, इन सभी जगहों को फूलों से, लाइट से बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। और ये देखिए पीएम मोदी का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि भीड़ भी पीछे पीछे दौड़ लगा रही है। अपने गांव वडनगर में पीएम मोदी पहुंचे हैं, हालांकि अपने बचपन के स्कूल जाएंगे या नहीं अभी तय नहीं है, लेकिन स्कूल में तैयारियां पूरी जोरों पर है। पीएम मोदी के स्वागत में बच्चों को भी आज बुलाया गया है, जबकि आज रविवार का दिन है।
और बच्चे भी पूरे उत्साह के साथ बेसब्री से पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं। पीएम बनने के बाद आज पहली बार अपने गांव वडनगर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। गुजरात में इसी साल के अंत में चुनाव भी है और ऐसे में लाजमी है कि उसी से जोड़कर पीएम मोदी के गुजरात दौरे को भी देखा जाए। 2 दिन का उनका गुजरात दौरा और इस मौके पर कई सौगात देने जा रहे हैं वो वडनगर के लोगों को। रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे, मिशन इंटेंसिफाई इंद्रधनुष को भी लॉन्च करेंगे, आज उनकी जनसभा भी होगी। फिलहाल ये तस्वीरें वडनगर गांव से, प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचे हैं पीएम बनने के बाद पहली बार। 600 करोड़ में बने अस्पताल का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, मिशन इंटेंसिफाई इंद्रधनुष को भी आज वो लॉन्च करेंगे। इसके बाद भरूच जाएंगे, वहां से वडोदरा जाएंगे और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और किस तरह बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं पीएम मोदी का, वो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, भारी भीड़ लोगों की पीएम को देखने के लिए। क्या जो बेटा दार है? और यूं तो पीएम मोदी कई बार पीएम बनने के बाद गुजरात गए, लेकिन वडनगर वो पीएम बनने के बाद पहली बार पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी का रोड शो, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उस स्कूल में जिस बेसब्री से उनका इंतजार हो रहा है वो भी आपने देखा। उम्मीद यही जताई जा रही है कि अपने स्कूल में जरूर जाएंगे पीएम मोदी, हालांकि ये तय नहीं है, लेकिन तैयारियां कुछ इस तरह की गई है। और जैसा उमेश बता रहे थे कि हलचल स्कूल में कुछ इस तरह की है कि लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे जरूर। पूरे वडनगर में इसी तरह के पोस्टर्स, कटआउट्स पीएम मोदी के लगाए गए हैं, उनके बचपन से लेकर अभी तक की तस्वीरें। वडनगर से वाराणसी का उनका सफर, जहां से वो सांसद हैं, और 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पीएम मोदी का रोड शो, जबरदस्त भीड़ और ये गुजरात का पारंपरिक लोकगीत। ढोल नगाड़ों के साथ पीएम मोदी के स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं लोग, और स्कूल में भी उनका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। पूरे स्कूल को फूलों से सजाया गया है पीएम मोदी के इंतजार में स्कूली बच्चे। आज रविवार का दिन है, लेकिन फिर भी बच्चे स्कूल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए। वडनगर में किस तरह जश्न का माहौल है, प्रधानमंत्री मोदी पीएम बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव जो पहुंच रहे हैं, और ये गुजरात का पारंपरिक नृत्य संगीत जो आप देख पा रहे हैं, पारंपरिक वेशभूषा में ढोल नगाड़ों के साथ पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी। ABP News, आपको रखे आगे।